एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे हम कुछ भी करें, एस्ट्रोलॉजी, फ्यूचर सजेशंस, हॉरोस्कोप रीडिंग्स, पामिस्ट्री, टैरो, जो कुछ भी भविष्य से संबंधित है, वह मूलतः व्यक्ति के अवचेतन का पठन है। हम उसके अनकॉन्शियस को पढ़ रहे हैं। इसका भविष्य से उतना अधिक संबंध नहीं है जितना कि अतीत से है, परंतु चूंकि भविष्य अतीत द्वारा निर्मित होता है, इसलिए यह भविष्य के लिए भी प्रासंगिक है। लोग अक्सर मशीनी तरीके से जीते हैं, रोबोट्स की तरह, इसलिए भविष्यवाणी संभव है। यदि आप व्यक्ति के अतीत को जानते हैं, तो जब तक वह व्यक्ति बुद्ध ना हो, आप उसके भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि वह इसे दोहराने वाला है। यदि वह अतीत में क्रोधित व्यक्ति रहा है, तो वह क्रोध की प्रवृत्ति को लेकर चल रहा है, ये प्रवृत्ति भविष्य में प्रभाव डालेगी। सामान्यतः एक अवचेतन व्यक्ति अपने अतीत को बार बार दोहराता है, ये एक पैटर्न है जिसको वो बार बार रिपीट करता है, वह इसे दोहराता है। वह और कुछ नहीं कर सकता, वह अपने जीवन में कोई नई चीज़ नहीं ला सकता, वह कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, इसलिए ये सभी फॉर्चून टेलिंग काम करते हैं। यदि लोग अधिक सचेत और सतर्क होते तो वह काम नहीं करेंगे। तुम एक बुद्ध की कुंडली नहीं पढ़ सकते या उसका हाथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वह अतीत से इतना मुक्त है और वर्तमान में इतना खाली है कि पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। भविष्य के बारे में ये सभी विज्ञान मूलतः अतीत से संबंधित है, और चूंकि लोग अतीत के माध्यम से जीते हैं और अतीत भविष्य में दोहराया जाता है, आपके कल आपके आज बन जाते हैं, आपके सभी कल आपके अवचेतन में समाहित है। यदि आप व्यक्ति के साथ तालमेल में हैं, यदि आप वास्तव में संबंध में हैं, तो कोई भी ज्योतिष पूर्वी हो या पश्चिम काम करेगा, क्योंकि वह केवल उपकरण है। मौलिक घटना व्यक्ति की ऊर्जा के साथ तालमेल में आना है, और इतना गहराई से तालमेल में आना है कि उसका अवचेतन अपने आप को प्रकट करना शुरू कर दे। उसका या उसकी अवचेतन आपके अवचेतन को उत्तेजित करता है, और आपके अवचेतन में चीज़ें उभरने लगती हैं, जिसको हम विजन या इंट्यूशन कहते हैं। वह विजन सार्थक होंगे, अब उसकी बहुत मदद हो सकती है, लेकिन याद रहे कि तुम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हो। लोगों को स्पष्ट करो कि तुम केवल टेंडेंसीज और पॉसिबिलिटीज को दिखा रहे हो, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, और वह चीज़ कुछ ऐसी है जिससे बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। यदि तुम कहते हो कि कुछ होने वाला है, तो तुम उसे होने में मदद करते हो, क्योंकि तब व्यक्ति निश्चित हो जाता है, तब तुमने उसे अपने अतीत से छुटकारा पाने और सचेत होने में मदद करने के बजाय उसके अतीत को और अधिक सुचारू रूप से दोहराने में मदद कर दी। हर व्यक्ति जो किसी भी तरह से लोगों के भविष्य के साथ काम कर रहा है, उसे पूरी तरह से सचेत होना चाहिए कि जब वह कुछ ऐसी भविष्यवाणी कर रहे होते हैं जो गलत हो सकता है, तो उन्हें व्यक्ति को सचेत करना चाहिए कि ये एक अनिवार्यता नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये केवल एक प्रवृत्ति है, इसे टाला जा सकता है और इसे टाला जाना चाहिए। और यदि आप देखते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो जोर दें कि यह होने वाला है। नकारात्मक को छोड़ दें, उसे सचेत बनाएं ताकि वह नकारात्मक से बाहर निकल सके। सकारात्मक की मदद करें, जोर दें कि यह संभव है, उसे इसे निश्चित बनाना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। यदि वह नहीं करता तो वह इसे चूक सकता है। तो ये बात है, आपको नकारात्मक के साथ ऐसे काम करना है कि वह ना हो, और आपको सकारात्मक के साथ ऐसे काम करना है कि वह हो। इसलिए यदि तुम इसका उपयोग लोगों को अधिक सचेत और ध्यानी, उनकी जीवन के लिए अधिक जिम्मेदार, अधिक स्पष्ट करने के लिए कर सकते हैं कि ये उनका अतीत है, भविष्य अभी नहीं हुआ है, और अतीत हर तरह से भविष्य को लगभग अतीत की तरह बनाने की कोशिश करेगा, अब उन्हें अतीत के चंगुल से बचना है। तुम लोगों के लिए बड़ी मदद कर सकते हो, तुम लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन सकते हो। प्रणाम।